है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर की, कुंज कुंज भगवान की, आचार्य गुरुवर की ज्ञान सागर मुनि महाराज। सुनो, आज ऐसा लगा भक्तगण जो है दूर दूर से आ गए, लेकिन यहाँ पर इस गांव में जिनके नाम उल्लेख किए हैं, इसको सुनने से तो ऐसा लगता है अभी आते समय एक व्यक्ति ने दिखाया ये मथुरा साइड का पशुओं का एक पहचान है, इसको शालीवान बोलते हैं। हाँ, अशुद्ध शालीवान बोलते हैं। मथुरा साइड अपने चातुर्मास हुआ था फिरोजाबाद में, प्राय करके गायों का और भैंसों का यादव और जाट वालों के लिए प्रसिद्धि है। इनके द्वारा किसान तो किसान होता ही है, इन किसानों में भी मुख्य रूप से विशेष रूप से खेती करते हुए भी पशुओं का पालन करना यादवों का अपने आप में परंपरा से चलते हुआ काम है। पालन करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अहिंसा की उपासना किए बिना इसका पालन होता ही नहीं। यादव और जाट जो अपने कौन सा राज्य है, हरियाणा, हरियाणा की प्रसिद्धि है मुर्रा भैंस बोलते हैं उसको। लगता है और पद्म पुराण में हमने पढ़ा था कि नील भैंस और श्वेत और काली आदि आदि प्रसिद्धि को प्राप्त गाय, इनका पालन करना यह परंपरा आज की नहीं है, ये बहुत दिन की पूर्वज है। आदिनाथ भगवान जो ऋषभनाथ कहलाते हैं, इनकी प्रसिद्धि जैनेश्वरों में शिवजी के रूप में होती है। उन लोगों ने भी इसको विशेष रूप से अपने पास रखा और खेती का मूल स्रोत तो यदि है तो सब लोगों की मान्यता है, जब तक पशुओं का पालन नहीं होगा तो खेती तीन काल में हो ही नहीं सकती, और खेती यदि नहीं होगी तो नोट और सोना चांदी खा करके आप नहीं रह सकोगे। सारे सारे नामूल्य सुन करके हमें ऐसा लगा एक अहिंसक प्राणी का नामूल्य हमारे सामने किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। और इन्होंने मुझे संकल्प ले करके ऐसा कहा कि नहीं, हमारे यहाँ होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका संकल्प ले लेता हूँ और इसका पालन मैं करूँगा, ऐसा कहा। यह अहिंसा का पालन आज शहर वालों को इसे पाठ ले लेना चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल गोरी भी है, श्वेता भी है, और भैंस का नाम अन्यत्र कहीं भी नहीं मिला, मुर्रा जो है, ढूंढते ढूंढते खरीदते हैं, क्योंकि जबलपुर के पास 10-20 हजार मुर्रा जो है भैंस के पालन पोषण होता है, मुख्य रूप से डेयरी फार्म में उसी भैंस का दूध का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं प्रदेशों में तो इसी की रिवाज ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मान्यता यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्निग्धता घी का अंश सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार यह अहिंसा का पालन, धर्म का पालन के पीछे पालन होता है। धर्म का पालन करना बहुत कठिन है ऐसा नहीं है, पशुओं का पालन कर लिया, इन सब दूसरों को तो पर्याप्त पालन करते हो, मोह का प्रतीक है, किंतु पशुओं का पालन करना मोह नहीं है, किंतु व्यापक रूप से विश्व के लिए धन धान इत्यादि पैदा कर देना, और उसके लिए साथ साथ यह दूध घी दही इत्यादि का शाकाहार की ओर जाने का एक मुख्य कारण है। ये यदि कम हो जाएगा, पक्का है कि आप मांसाहार की ओर रुझान आपका हो रहा है, यदि उसको नहीं करना है तो आप इसकी अधिकता बढ़ाइए, अपने आप होगा, मन में शांति भी रहेगी। यदि भोजन में यदि तामसिकता आ जाती है, शांति खो जाती है, और इसमें तामसिकता नहीं रहती है तो बच्चों में बुद्धि भी और सात्विकता भी आ जाती है, और जीवन एक प्रकार से शांतमय होता है। जियावान जंगल होते हुए भी जंगल में ये लोग आदिवासी जैसे हैं, लेकिन बहुत विशेष रूप से इनके परिणाम और विचार और रहन सहन से ज्ञात होता है। यहाँ रह करके भी अपने आप में बहुत शांति का अनुभव करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।